बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। मांझी ने कहा, नीतीश कुमार की शराब नीति बहुत अच्छी है, लेकिन इसके लागू होने से यही साबित होता है गरीब लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत है। पीने वाले लोग पकड़े जाते हैं तो उन्हें सजा के तौर पर 2 और 3 महीने में छोड़ देना चाहिए। इसके लिए अलग कानून बनाना चाहिए। जो 1-2 पैग पी लेता है उसकी सजा साल भर 6 महीने होती है। वहीं बनाने वाले और पेशेवर तस्करी करने वालों की बात अलग है। जिन्हें पीने के नाम पर पकड़ा गया हो उसके लिए कानून जरूर बनना चाहिए। ऐसे लोगों को 2-3 महीने पर छोड़ देना चाहिए, इससे कि जेल और कोर्ट दोनों का भार कम होगा। धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी के कि मेरे कहने पर ही संभवतः 2-3 बार समीक्षा किया है, और अगली बार उन्होंने ऐसा कहा है कि सर्वदलीय बैठक हम लोग बुलाएंगे, अब बुला करके तय करेंगे कि शराबबंदी को क्या किया जाए, क्या कहा जाए। तो इसलिए उनको धन्यवाद देते हैं, समय समय पर लचीला रुख अपना रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि शराबबंदी में पदाधिकारियों के मनमानी के चलते हमारे गरीब तबके के लोग अधिक विक्टिमाइज हुए हैं। आज जितना भी केसेज हुआ है वो केसेज में 70% गरीब लोग ही हैं। मैं तो अगर समीक्षा की बैठक होगी, सर्वदलीय बैठक होगी, तो मैं तो यही कहूंगा कि पीने वाला अगर कोई पकड़ा है तो 2 महीना या 2.5 महीना से ज्यादा उसको जेल में न रखिए और उसको कानून में सुधार करके उसको छोड़ दीजिए। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि मांझी जी भी एनडीए में शामिल हो रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के तहत। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि एनडीए के बहुत बड़े बड़े नेता हमारे महागठबंधन में आ रहे हैं। अच्छा। मैं तो ये कहता हूँ। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अक्सर शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की मांग करते रहते हैं। वहीं बागेश्वर धाम बाबा के बिहार आने को लेकर जीतन राम मांझी ने कहा है कि बाबा का आना बिहार के लिए शुभ नहीं है। हिंदुस्तान एक धर्म, एक भाषा, एक संस्कृति का देश नहीं है, बल्कि अनेकों धर्म और भाषा का देश है। यहाँ पर एक का नहीं चलेगा, सबका चलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को नालंदा चुनाव लड़ने पर कहा कि नीतीश कुमार नेता है, मामूली वर्कर नहीं है। जनता और पार्टी की सुविधा को देखते हुए, समीकरण को समझते हुए उन्होंने अपना निर्णय लिया है, देश पार्टी और अपने हित में निर्णय लिया है। वहीं बिहार में विपक्षी दलों की एक साथ बैठक किए जाने को लेकर उन्होंने कहा, नीतीश कुमार 2 बार प्रयास कर चुके हैं, इसमें सफलता भी मिली है। उत्तरी भारत में और बिहार में ही विपक्षी एकता की बैठक हो, बिहार के लिए गौरव की बात है। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर।